अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जुम्मा का ब्लॉग है ये, माशाल्लाह। उम्मीद करते हैं सब जने नमाज पढ़े होंगे। तो जुम्मा के शाम का वीडियो है। जुम्मा के दिन मैं थोड़ा सा बाहर भी गई थी, तो वहाँ से आने के बाद मैं सोची क्या बनाऊँ बोल के, तो मटन ले लेकर आए थे। तो यहाँ पर मैं ही बना रही हूँ मटन बिरयानी। सोची कि आप दो दो कामा कौन करती है, कि बार बिरयानी पका कर बता लेंगे। ईद के जब से नहीं बनाई थी मैं, तो अभी मैं बना रही हूँ ईद के बाद की पहली बिरयानी। तो यहाँ पर मैं 2 स्पून अदरक के 2 स्पून लहसुन के डाल रही हूँ। मैं बना रही हूँ मटन बिरयानी और यहाँ पर बन रहा है दालचा। मैं बना रही हूँ मटन बिरयानी, 1/2 किलो नहीं है, 1/4 किलो है। और टेस्ट के लिए धनिया पाउडर और मिर्ची काटा और कश्मीरी मिर्ची 1-1 स्पून डाल रही हूँ। अगर आपको टेस्ट खाना रहे तो आप ज्यादा कम और ज्यादा कर सकते हैं, मेरे हिसाब से मैं डाल रही हूँ। तो नमक भी थोड़ा सा मैं टेस्ट के हिसाब से डाली हूँ। इस टाइम पर क्या करेंगे, हमें मटन दाल को अच्छी तरह से पानी पूरी छोड़ के साले में हमें अच्छी तरह से पकने देंगे, जरा खुद छबने जनाइए। नमक 25 डाला लो, गलगा तो टेस्ट खराब हो जाता है। और थोड़ा दालचीनी चावल में भी डालना कुछ ना। और यहाँ पर दालचा भी बन गया है। तो अच्छी तरह से मसाला पकने के बाद इस तरह से मैं खतीमीर भी कट करके डाल दूंगी। इजी से बनाए जब बिरयानी, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बहुत जने बोलती मेरे फ्रेंड और मेरे जो भी यूट्यूब फैमिली मिलते हैं कि बिरयानी बनाना मुश्किल काम है क्या, बिल्कुल नहीं, बहुत इजी से। सिर्फ मसाला पका ले तो चावल को बैल कर कोई मिक्स करना होता है, तो मेन मसाला ही पकाना है, यानी कि अखनी। कॉलेज का एडमिशन आते ही कि आज पूरा दिन मैं फिर को आ गई है, माशाल्लाह। ये घर बंदा ले जाए, खरीद ले को, आराम से जिंदगी भर बैठ को किराए ले को जिंदगी कर डाले जाए। ऊपर से इतने पैसे बनना सो, टेंशन लेना सो, रात रात पढ़ना सो, बच्चे फिर सुबह शाम भागना सो, वो क्या था हार्डवर्क है जो। अब इतने साल क्योंकि पढ़ाया थी, जब कॉलेज ढूंढने निकलती ना तब मालूम होता है, सब पेरेंट्स आंग बताते थे, आज मालूम हो रहा है मुझे भी। तानिया को एडमिशन करने वो नहीं तो क्या। बिरयानी बनाना और बिरयानी खाना, और बिरयानी किसकी ज़्यादा फेवरेट है कमेंट्स में बताइए। जब तक कच्चे अदरक लहसुन की खुशबू नहीं जाती, उसके बाद में अभी मैं डालूंगी दही, घर में बनाया हुआ 1 स्पून दही। कितना डालती हूँ, उतना टेस्टी रहती है बिरयानी। तो मुझे तो कभी कभार बिरयानी बनाना अच्छा लगता है, कभी कभार सालना बिरयानी बना रही। मटन दम बिरयानी, मटन दम बिरयानी। तो अभी मैं टमाटर भी डाल दूंगी। जितना टमाटर आप डालेंगे ना, बिरयानी उतनी टेस्टी आती है और एकदम रेड कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। टमाटो से कलर लाऊंगी इस बार बिरयानी को, नेचुरल कलर। तो यहाँ पर मैं दालचा बना रही हूँ, हमारे अम्मी के स्टाइल में बना रही हूँ आज दालचा। अम्मी बहुत सिंपल से बनाते लेकिन बहुत टेस्टी बनाते हैं। चनियांग की दाल और कद्दू दाल को, हरिया कद्दू, हरिया कद्दू को तो बहुत चनियांग को कंफ्यूज हो जाता है, तो इंग्लिश में बोलती हूँ उसे बॉटल गट। तो यहाँ पर देखिए यही कद्दू का दालचा बना रही हूँ मैं। पिछली बार बहुत कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए इस बार डिटेल्स में बता रही हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली, आपकी क्या फेवरेट रेसिपी है ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मेरी रेसिपी है दाल चावल हरी पाल, मुझे वो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है। अल्लाह, अखनी पक चुकी है तो यहाँ पर मैं चावल भी सेपरेट से बॉयल कर लूँगी। इसी तरह से मैं मेरे स्टाइल में मैं बिरयानी बनाती हूँ, सेपरेट से चावल। एक जने क्या करती, अखनी में चावल दाल को दम कर डालती। हर एक का एक एक स्टाइल होता है,
तो यहाँ पर देखिए, मैं डेक्ची में बनाई थी तो मैं कुकर में डाला ली ताकि जल्दी पक सके। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह, देख के आ गया है ना मुँह में पानी। ऐसा है ना, अखनी के साथ सादा चावल भी बहुत टेस्टी रहता है। कैसा रहता मोमो? सुपर रहता। मुझे तो वैसा पसंद है। हमारी मम्मी जब भी बिरयानी बनाते हैं मैं अखनी मंगले चक रख लेती ताकि वाइट राइस में खा सकूँ। तो दाल चाकू पका के साइड में रख डाली में। तो यहाँ पर अभी तो देखिए ज़्यादा पतला कई को बोल को मैं इसी लेवल के रखती हूँ। तो यहाँ पर चावल भी हमारे पक चुके थे तो अखनी दाल को अभी मैं बिरयानी दम पे छोड़ दूँगी। कितना इजी है नहीं बिरयानी बनाना, खाली अखनी बना लिया तो बस चावल उबाले को, चावल को ज़्यादा गलाना नहीं, 60% 70% बस, क्योंकि अखनी ज़्यादा रही तो उसी में दम हो जाता है। ज़्यादा की बात नहीं, अखनी में जितना बिरयानी दम करती हैं उतनी टेस्टी बनती है, उसका मसाला पूरा चावल में जाको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी बिरयानी दम पे छोड़ देंगे। इसी तरह का रूटीन होता है मेरा हर रोज़ कुछ ना कुछ। अगर जब भी बाहर गई तो वो काम दूसरा होता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। घर में रही तो मैं कुकिंग ज़्यादा करती हूँ, मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बना रही हैं दही की चटनी, साथ में बिरयानी के साथ दही की चटनी भी होना लाजमी, अच्छा लगता है। तो अभी देखिए यहाँ पर काले जामुना का सीज़न है, अच्छी तरह से धो को काले मिर्ची का पाउडर रहती, ज़ीरा रहती, मिर्ची रहती, नमक खा को देखो इतना टेस्टी दिखता है। और साथ साथ में यहाँ पर हमारी बिरयानी भी दम हो गई है। आइए मेरी यूट्यूब फैमिली बिस्मिल्ला शुरू करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की। अगर आप अदरक लहसुन का फ्रेश मसाला डालें तो अच्छी बिरयानी बनती है। कितना भी बच को रंधे दालों को बिरयानी में जब का जब पीस को डालो उसकी खुशबू, उसका खाने का टेस्ट बड़को आता है बिरयानी में। माशाल्लाह कैसी लग रही है बिरयानी ज़रूर कमेंट्स में बताइए। जुम्मा के दिन खासो खास नमाज पढ़ती हैं, बिरयानी बनाती हैं, कुछ ना कुछ पकता है। माशाल्लाह अल्लाह भी कैसे कैसे दिन हमारे पर रखी, अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करें तभी का मिर्च। तो यहाँ पर देखिए हमारा खाना भी रेडी हो गया है, अभी हम करेंगे डिनर। आप भी आइए मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे बहुत खुशी होती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप मुझे कुछ भी पूछना है बोलना है तो DM करिए इंस्टा पे, इंस्टा की ID स्क्रीन पे मिलेगी, ज़रूर से आप फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ दूध अच्छा पक गया था, उसमें मैं सेवियाँ डाली हूँ। बिरयानी के साथ मीठा नहीं रहा तो वो मीठा बिरयानी कॉम्बिनेशन ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैं मीठा बना चूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इसी टाइम थोड़े ज़र्रा सेवियाँ गले बसना शक्कर डालेंगे, इलायची कुट को डालूँ, ड्राई फ्रूट्स बाद में फ्राई करके डालूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी बिरयानी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनी है। कल शादी को नहीं आया था मोमो, तो आज हमें सोचे कि बिरयानी बना के खिलाएंगे। टेक्सचर अच्छा आता है नहीं? तुम्हें बोले ना चूल्हे की अच्छी रहती है घर को, कहते वो अच्छी बन गई सब मोमो के वास्ते। जूसी जूसी छ तो बिरयानी खाने के बाद मीठा तो ज़रूरी ज़रूरी है मेरे वास्ते। तो ये ऐसी आदत किस किस को है मेरी यूट्यूब फैमिली, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। आइए मीठा खाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा मीठा भी खा लेंगे। जुम्मा का दिन बहुत अच्छे से गुजरा, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का। The next morning. दूसरे दिन का वीडियो देखिए, कितने कपड़े थे मेरे पास धोने के, बेलचीटान सब कुछ धोई आज में। तो दो दिन तो बाहर ही निकल गए, थोड़ा सा बाहर था काम, तो आज मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, सारा घर का काम ख़त्म करूंगी, साथ साथ जितने भी कपड़े हैं सब कुछ वॉश कर लूंगी। 15 दिन को एक बार मैं कमला नहीं धोई, बेलचिटा नहीं धोई तो मुझे नींद इस नहीं आती। तो मेरे मशीन में है ना करंट नहीं मारता,
तो बहुत अच्छी मशीन है ये, जितने भी कपड़े रहते हैं इतने अच्छा पाक हो जाते हैं। भी धो डाली इसके मुँह में पहले देखी ना। हाँ मेरे तो फैमिली में ड्रेस कहाँ से ले चुका कब पूछती ना कहाँ से मोमो लिया समझे बार ये ड्रेस फेमिना शिवाजी नगर। देखो कितने बार रफ्त हुई तो अभी मैं कपड़ा ऐसा अच्छा है परवाह नहीं। ये मोमो कपड़ा फेवरेट कलर मनी प्लांट देखा मैं हाथ डालना नहीं करेंट नहीं मारता ये याद होता नहीं। नहीं वॉश करी तो ऐसा हो जाता है जरा बाहर पिघले करिए पिघले का तो वेट है नहीं क्या भी मोमो के काम से किया पूरे कपड़े हो गए इतने हमारे नहीं। ये किमला में है कंफर्ट की बात नहीं तो मुझे ओढ़ लेने अच्छा लगता है किमला की कमला किमला तुम्हें पानी खा ले बोलो चीनी ना लगा ये भी ये था हमारा घर अभी खा रहे हैं इसके। जो कुछ भी मैं करती हूँ दिन भर में वो सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल कर दीजिए ताकि रोज़ रोज़ के वीडियोस आपको आते रहेंगे। तो बटांग के आटे के लिए मरकिन का आटा चिरोटी रवे हल्दी ये दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो चलिए गून लेंगे, जैसा रोटी काटा बनाती हूँ वैसा नहीं बनाना, थोड़ा पतला पतला। तो यहाँ पर देखिए ऐसा मिक्स कर ले को, यहाँ पर देखिए आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ओबटांग को इसी तरह से बनाते हैं, अगर आपको ओबटांग बनाना आता है ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो हल्के हल्के पानी दाल को मिक्स करना नहीं तो पूरा पतला हो जाता है। लास्ट में थोड़ी सी हल्दी दाल को इस लेवल पर आना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे सिस्टर्स पूछते हैं कि रेसिपी दिखाओ बोल को, ये रेसिपी ऑलरेडी अपलोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। कम से कम आटे को गून के हाफ एन आवर रख डालो सॉफ्ट होना एकदम से आटा, जब ही जाकर सॉफ्ट हो बटा बनती। तो आज का वीडियो यही पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो प्लास्टिक रैप में इस तरह से कवर करके रखो तेल लगा को, नहीं तो ऊपर पपड़ बन जाता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।